11th बायो की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जितने नॉन कार्डेट्स थे उनका अध्ययन किया था, उनके संघों का अध्ययन किया था और अब हम आज जो कार्डेट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डेट्स के बारे में। कॉर्डेटा अर्थात रज्जुकी प्राणी, जिसको रज्जुकी बोला जाता है, रज्जुकी प्राणी वर्ग कहा जाता है। रज्जुकी क्या होता है? रस्सी नुमा स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। तो इसको देखते हैं आगे। संघ कॉर्डेटा या रज्जुकी कशेरुकी संघ के प्राणियों को, जितने भी रज्जुकी प्राणी हैं कॉर्डेटा हैं, उनको तीन मूलभूत लक्षण, उनके मेन तीन इंपॉर्टेंट फीचर रहते हैं जो बिल्कुल ध्यान रखिए आप। पहला, पृष्ठ रज्जु यानी डॉर्सल साइड पर रज्जु रहेगा, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड नर्व कार्ड तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। तीन चीजें हो गई इसमें, हो गया पृष्ठ रज्जु, क्लोम छिद्र और पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, मतलब जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम रहता है वो कैसा होता है, हॉलो रहता है वो कॉर्ड। तथा द्विपार्श्वतः यानी कि बायलैटरली सम्मित रहते हैं, त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं और इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पश्य पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब अगर देखते हैं इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है बंद परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था, चाहे वो लार्वा अवस्था हो इनकी या फिर इनकी भ्रूण अवस्था हो या बाद की पूरी अवस्था हो, किसी न किसी अवस्था में इनकी पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका तंत्र तथा क्लोम छिद्र, ग्रसनी क्लोम छिद्रों की उपस्थिति, ये तीन चीजें जो हैं वो कॉर्डेट्स की निशानी है। इस सारणी में देखिए जो नॉन कॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट्स, उनमें लक्षणों की तुलना की गई है। पहला क्या है, जो नॉन कॉर्डेट्स रहते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि इसके विपरीत कॉर्डेट्स में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। सेकेंड अगर हम देखें तो जो नॉन कार्डेट्स रहते हैं उनके केंद्रिका तंत्र जो रहता है वो वेंट्रल साइड अर्थात डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड या अर्थात अधर तल में रहता है, ठोस होता है और दोहरा होता है। मतलब यदि हम किसी प्राणी को देखें तो इसकी अपर साइड जो होती है वो कहलाती है डॉर्सल या पृष्ठ सतह कहते हैं उसको, और जो नीचे तरफ की सतह रहती है उसको कहते हैं वेंट्रल या अधर तल। ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो ये इनका तंत्रिका तंत्र जो नॉन कॉर्डेट्स है उनका अधर तल में रहता है, और कॉर्डेट्स जो रहते हैं उनका कैसा रहता है, डॉर्सल साइड पर रहेगा और खोखला होता है। तीसरा, आरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स में क्लोम छिद्र जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और कॉर्डेट्स में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र गिल्स वाले जो छिद्र, इस प्रकार से यदि किसी फिश को हम देखें तो ऐसे यहाँ साइड में गिल्स पाए जाते हैं ना, उसके लिए। नॉन कार्डेट्स में हृदय पृष्ठ भाग में होता है, मतलब डॉर्सल साइड में होता है, इससे अपोजिट, और इसी का अपोजिट कर दो तो कार्डेट्स में हृदय अधर भाग में पाया जाता है। नॉन कार्डेट्स में गुदा पश्य पुच्छ अनुपस्थित होती है और इसमें एक गुदा पश्य पुच्छ उपस्थित होती है। संघ कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में बांटा गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। बट अब जो संघ यूरोकॉर्डेटा है और जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इनको सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिए। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, और ये सभी के सभी जो होते हैं समुद्री प्राणी होते हैं, सारे मैराइन लिविंग होते हैं।
यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु जो होती है, जो नोटोकार्ड होती है, वो केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। अब सेफेलोकार्डेटा उससे और विकसित हो गया, तो उसमें पृष्ठ रज्जु जो होती है वो पूरी सिर से लेके पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकार्बेटा, एसिडिया, सेल्पा, डॉलियोलम, ये होगा यूरोकार्डेटा के उदाहरण। और अगर हम सेफेलोकार्डेटा की बात करें तो उसमें है बंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। तो ये है आपके प्रोटोकार्डेटा, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था वाले समुद्री जीवों के बारे में। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। जितने भी कशेरुकी संघ है उनमें पृष्ठ रज्जु उनकी कैसी होती है? भ्रूणी अवस्था में, अर्थात जब वो फीटस कंडीशन में होते हैं तब पाई जाती है। वयस्क अवस्था में जो होती है इनकी जो नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु, वो किस में बदल जाती है? अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कशेरुकाएं बन जाती है। यदि मान लीजिए जैसे ये एक प्रोटोकार्डेटा पृष्ठ रज्जु है, ये भ्रूण अवस्था में होगी, लेकिन जैसे ही वो वयस्क अवस्था में आएगा तो इस पर अस्थियों की बनी हुई कशेरुकाएं अस्थिल या उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। ये मैं सिर्फ आपको ऐसे समझाने के लिए बना रही हूं, तो इसमें ये मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी जो होते हैं वो रज्जु की भी होते हैं, अर्थात कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट जो होते हैं वो कशेरुकी नहीं होते, मतलब वर्टिब्रेट्स नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है, मतलब जो हार्ट है वो उनके वेंट्रल साइड में पाया जाएगा और वो 2 से लेकर के 4 चैम्बर तक हो सकता है। वृक्क जो है, माने जो किडनीज हैं, वो उत्सर्जन का काम करती हैं और जल संतुलन का कार्य करते हैं। पंख जो है, या तो पंख होंगे इनमें या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाएंगे। संघ वर्टिब्रेटा को फिर से दो उपवर्ग में बांट दिया है। पहले हमने पढ़ा कॉर्डेटा, तो उसमें प्रोटोकॉर्डेटा हो गया, उसके बाद हो गया वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है उसको फिर से दो भागों में अगेन डिवाइड किया। पहला है अग्नेथोस्टोमेटा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा मतलब जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े जिसमें दांत जिस चबाते हैं ना आप लोग, वो जबड़े वाला पोर्शन कहलाता है। इसमें जबड़ों का अभाव होता है, इसमें एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा की बात करें तो उसमें जबड़े उपस्थित होते हैं और इसको भी फिर अगेन दो भागों में बांट दिया है। पहला पिशीज यानी मछलियों वाला समुदाय और दूसरा टेट्रापोडा यानी चतुष्पादी, जिनके 4 पाद होते हैं। तो पिशीज जो है वो पंख उपस्थिति है इसलिए उनको पिशीज वर्ग में कर दिया, पैर उपस्थित है तो उनको टेट्रापोडा या चतुष्पाद में कर दिया। पिशीज वाले वर्ग में 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। और जो टेट्रापोडा या चतुष्पाद है उसमें एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये 4 क्लास अगेन आ गई टेट्रापोडा में। एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, तीसरा एवीज और चौथा मैमेलिया। अब हम पढ़ेंगे फिशीज वर्ग के साइक्लोस्टोमेटा को। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो प्राणी हैं वो कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र, साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुंह होता है, मतलब जबड़े नहीं होते लेकिन कैसा होता है, वृत्ताकार, एक गोल आकृति का वृत्ताकार मुंह इसमें ऐसा होता है जिसमें सकस या चूषक बने रहते हैं। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है, स्केल्स नहीं होती और पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते। कपाल तथा मेरुदंड जो होता है वो उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए कहाँ जाते हैं, अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के बाद ये जितने होते हैं ये मर जाते हैं। लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में लौट आता है। उदाहरण पेट्रोमाइजान लैम्प्रेफिश तथा मिक्सीन हैगफिश, ये इनके उदाहरण हैं। तो ये कैसे कशेरुकी हैं, जबड़ा रहित कशेरुकी जो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। नेक्स्ट देखें, दूसरा वर्ग आता है पिशीस के अंतर्गत, वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज।
ये जो वर्ग हैं ये कैसे हैं? सबसे पहले तो हमको एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये धारा रेखी स्ट्रीमलाइन होते हैं। धारा रेखी और समुद्री प्राणी, इनका अंत कंकाल कैसा होता है? उपास्थल होता है, मुख अधर पर स्थिर होता है, पृष्ठ रज्जु चिर स्थायी होती है, मतलब भ्रूण अवस्था से अंतिम अवस्था तक पाई जाती है, फ्लोम छिद्र अलग अलग तथा अपर कुलम से ढके नहीं होते, त्वचा दृढ़ सूक्ष्म पट्टाभ और स्केली होती है, पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्के के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े होते हैं, इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब क्या है? मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं? लगातार तैरते रहते हैं। हार्ट जो है वो टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। इसमें से कुछ में विद्युत अंग भी पाए जाते हैं, जैसे टारपीडो, तथा कुछ में क्या होता है? विषदंश भी पाए जाते हैं, जैसे ट्राइगोन। ये सब असमतापी होते हैं, इनके शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर मादा अलग अलग होते हैं। नर श्रोणि पंख में अलिंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश जरायु जो होते हैं, उदाहरण स्कॉलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रीस्टिस आरा मछली, कार्केरोडोन विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन व्हेल शार्क, ये मछलियों के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र, कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों के उदाहरण आ देख रहे हैं आप। यह है स्कॉलियोडॉन यानी कुत्ता मछली, और दूसरी है प्रीस्टिस यानी जिसको आरा मछली। इसमें कैसे आरी जैसे उभार इसके मुख के वहां पर पाया जा रहा। फिर है वर्ग ऑस्टिकथीज। इस वर्ग की मछलियां जो हैं वो लवणी तथा अलवणी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंत कंकाल अस्थिल होता है, शरीर अगेन धारा रेखित होता है, मुख अग्र सिरे के अंत में होता है, चार जोड़ी क्लेम छिद्र दोनों ओर अपर कुलम से ढके रहते हैं, मतलब दोनों तरफ होते हैं, त्वचा साइकोसोइड टीनियोट शल्क से ढकी रहती है, इसमें स्केल जो होते हैं वो साइकोसोइड और टीनियोट स्केल रहते हैं। इसमें वायु कोश उपस्थित होता है जो इनको उत्प्लावन यानी डूबने से बचने में सहायक है। हृदय दो प्रकोष्ठी होता है, एक आलिंद और एक निलय। अगेन सभी असमतापी होते हैं, नर तथा मादा अलग अलग, अधिकांशतः अंडज होते हैं, अंडे देते हैं, निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, उदाहरण समुद्री एक्सोसिटस यानी उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवणीय लेवियो रोहू मछली, कल्ला यानी मांगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश और पेप्ट्रोप्सन एंगज कलेरियस मछली। ये था वर्ग ऑस्टिकथीज के बारे में। और यहाँ पर ऑस्टिकथीज यानी ऑस्टी यानी अस्थि से जुड़ा, तो अस्थिल मछलियों के उदाहरण ए है समुद्री घोड़ा और दूसरी बी है कतला मछली। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी कॉर्डेट्स के लक्षण कितने भागों में बांटा गया, उनको प्रोटोकॉर्डेट और कॉर्डेटा में, फिर अगेन उसको दो भागों में बांटा, एक नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, और फिर अगेन उनके वर्गीकरण को पढ़ा। नेक्स्ट उसमें हम इसके आगे की क्लासेस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।